वर्ल्ड राफी डे पर एसोसिएशन ऑफ रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट की ओर से रेडियो एक्टिव तरंगों के प्रभाव को लेकर एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। सेक्टर 17 के प्लाजा में हुए इस नुक्कड़ नाटक में लोगों को इन तरंगों के प्रभाव व दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया गया। इंडियन एसोसिएशन ऑफ रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी के सदस्य लक्ष्मीकांत तिवारी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि एक्सरे से निकलने वाली रेडियो एक्टिव तरंगों से मरीजों को कैंसर का खतरा हो सकता है। क्योंकि 8 नवंबर को वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे मनाया जाता है, तो आज एक दिन पहले पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत हमने सेक्टर 17 में रंजन का अवतार नाम का ये नाटक किया, जिससे कि आम जनता को हम ये बता सकें कि एक्सरे के जहाँ फायदे हैं वहाँ कुछ नुकसान भी हैं, और कुछ कुछ समय में क्या रहता है कि पेशेंट को मालूम नहीं होता कि क्या इसके नुकसान है, और पेशेंट अननेसेसरी एक्सपोजर होता है उसको, एक्सरे करवाए जाते हैं, उससे उनको कैंसर होने का खतरा पैदा हो सकता है। तो आम जनता को इसके बारे में बताने के लिए ये पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम इंडियन एसोसिएशन ऑफ रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी की तरफ से हमने करवाया है। 8 नवंबर को वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे के अवसर पर रेडिएशन प्रोटेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल नामक सेमिनार सेक्टर 37 के लाभ भवन में किया जाएगा, जिसमें 300 से अधिक डेलीगेट्स शामिल होंगे और नई टेक्नोलॉजीज के बारे में जानकारी दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रूबरू टुडे।